हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंग स्टाइल। आज हम ओजोमार्क्स रोल ऑन डेपिलेटरी वैक्स हीटर का रिव्यू करने जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। ये पर्सनल हाइजीन के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें है फास्ट हीटिंग, ऑटो कट ऑफ का आपको सिस्टम मिल जाता है, लाइट ऑन इंडिकेटर आपको मिल जाता है एंड डिटैचेबल कोड आपको मिल जाती है। इसमें है ड्यूल टेम्परेचर सिस्टम, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का है। प्राइस है इसकी 960 रुपये, लेकिन ऑनलाइन ये आपको डिस्काउंट ही मिल जाएगा। इसे कैसे यूज़ करना है अभी आपको बता देते हैं। और इसमें आपको मिल जाती है 1 ईयर की वारंटी। ये है हमारे पास मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। सो, सबसे पहले ये है हमारे पास रोल ऑन वैक्स वार्मर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार की छोटी सी मशीन है। सो, ये आपको एक कोड मिल जाती है जिससे आपको इस मशीन में लगाना होता है। इसमें आपको 2 टेम्परेचर सेटिंग मिल जाती है, 65 डिग्री एंड 100 डिग्री। आपको इस प्रकार की रोल ऑन वैक्स रिफिल खरीदनी पड़ेगी। ये हमने 193 रुपीज़ में खरीदी थी। इस वैक्स रिफिल को आपको इस मशीन में डालना है। सबसे पहले आप देख लीजिए किस प्रकार की रिफिल है। इसमें ये जो पेपर होता है इसको आपको रिमूव करना है। फिर आपको इस रिफिल को इस वैक्स मशीन में कुछ इस प्रकार डालना है। ये जो ऊपर पेपर है उसको आप हटा लीजिएगा। वैक्स मशीन में रिफिल डालने के बाद आपको ये कोड लगानी है। अभी प्लग ऑन नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोड लगानी है, फिर आपको पहले टेम्परेचर 100 डिग्री पर सेट करना है। ये जो हमारे पास रोल ऑन वैक्स हीटर है, इसमें वैक्स को गर्म होने में लगभग 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। आराम से 15 मिनट लग जाते हैं। कुछ देर बाद आप टेम्परेचर 65 डिग्री पर सेट कर दीजिएगा और प्लग ऑफ कर दीजिएगा। आपको ये कोड है उसको निकाल के ही इस रोल ऑन वैक्स हीटर को यूज़ करना है। फिर आपको कुछ बालों की डायरेक्शन में इस प्रकार वैक्स लगानी है। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वैक्स स्ट्रिप्स की। सबसे पहले आप एक वैक्सिंग स्ट्रिप पर इस रोल ऑन वैक्स हीटर को चलाकर देख लीजिएगा, जिससे हमें एक तो वैक्स का टेम्परेचर भी पता चल जाएगा, प्लस जो हमारी वैक्स होती है वो आसानी से निकल रही है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। फिर आपको बालों की डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार रोल ऑन वैक्स हीटर को चलाना है और वैक्स आपके हाथों या पैरों पर चिपक जाएगी। फिर आपको वैक्सिंग स्ट्रिप को बालों के अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार खींचना है। आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी हेयर रिमूव हो चुके हैं। जो हम नॉर्मल वैक्स यूज़ करते हैं, जैसे हॉट वैक्स हो गया या कोल्ड वैक्स हो गया, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, जबकि रोल ऑन वैक्स हीटर में जो वैक्स होती है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, लेकिन इसमें जो जैसे थोड़ा मैसीनेस होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें आपको सीधे ही वैक्स वैक्स हीटर के अंदर डालनी है, वो गर्म हो जाती है। फिर आपको ओनली वैक्स स्ट्रिप की ज़रूरत भी पड़ती है और कोई वैक्स इधर उधर बिखरती भी नहीं है। तो ये हमने जब पहली बार किया तो इस प्रकार हुआ, लेकिन फिर हमने इसे वापस एक बार अच्छे से गर्म करके वापस ट्राई किया, तो आप देख सकते हैं हमारे हेयर काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव हो गए और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। सो, यदि आप इसे खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ी सी 3-4 बार प्रैक्टिस की जरूरत होगी, फिर आप इसे एकदम आराम से आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू सैंग स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।